संभल के गुन्नौर विधानसभा से सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव पर पुलिस को पीटने का आरोप लगा है। यही नहीं, राम खिलाड़ी पर अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने के भी गंभीर आरोप हैं। दरअसल चार दिन पहले लोहरापुरा गांव से सतीश नाम के ग्रामीण को उठा लिया गया, उसका अपहरण हुआ। बबराला पुलिस चौकी के सिपाही सत्येंद्र यादव और महबूब को सूचना मिली कि अपहृत सतीश सपा विधायक राम खिलाड़ी के आवास पर मौजूद है। इसके बाद पुलिस वाले विधायक आवास पहुंचे, सिपाहियों को देखकर अपहरणकर्ता कोठी के अंदर घुस गए। सिपाही भी पीछा करते हुए विधायक आवास में दाखिल हो गए। सिपाही सत्येंद्र का कहना है कि उन्होंने दोनों अपहरणकर्ताओं को पकड़ा तो विधायक राम खिलाड़ी सहित उनके समर्थक उनके साथ मारपीट करने लगे। सिपाही महबूब ने किसी तरह अफसरों को हालात की जानकारी दी, जिसके बाद सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ ने सिपाहियों को मुक्त कराया और अपहृत सतीश को बरामद कर अपहरणकर्ता वासुदेव और किशोर को गिरफ्तार कर लिया। कोई अपहरण का मूल्य में जी, तो हम तुरंत गए वहाँ पे, सूचना पे पहुँचे वहाँ पे भैया, तो चोर हमने पकड़ लिया था जो जिसने कर रखा था जी, वहीं बैठे थे वो। हाँ, एकदम वो छूट के जैसे पकड़ के लाए तो अंदर भग लिया वो, एकदम कोठी में अंदर भग गया, उसके पीछे मैं चला गया। इतनी देर में विधायक जी और विधायक जी के पीछे से 5-6 लोग थे, 7-8 लोग करीब, भैया मेरे साथ में एकदम पीछे से मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। पीछे चांटे मारे मेरे विधायक जी ने भी काफी, मतलब मेरा मोबाइल छीन लिया और चांटे मारे थे। तो कैसे बदलेगी तस्वीर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अर्शद आबिद मेरे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। अर्शद भाई, एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, पाठ पढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सर आप ही के विधायक पुलिस को पीट रहे हैं। देखिए घनश्याम जी, समाजवादी जो होते हैं वो किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करते, ना ही किसी का अपमान करते हैं। समाजवादी सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं, और यही वजह है कि चारों सरकारों में समाजवादी पार्टी की। सर देखिए, मुद्दा मत भटकाइए सर, मुद्दा मत भटकाइए, नहीं मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा सर आगे। मुझे ये जवाब दीजिए, जो आपके विधायक ने पुलिस को पीटा ये क्या है, या तो आपकी पुलिस छूटी है, फिर पुलिस भी आपकी थी ना सर। देखिए ऐसा है घनश्याम जी, ये सारा मामला जो आपने दिखाया है ये अभी अभी मेरे संज्ञान में आया। अच्छा, अब इसमें सच कितना है, छूट कितना है, ये सारा मामला जनपद के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में होगा सर। ये सारा मामला अब मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी के संज्ञान में। ठीक है, ये तो और गंभीर बात है सर, मामले की समाजवादी पार्टी के नेता के संज्ञान में अगर इतनी बड़ी खबर नहीं है लखनऊ में होके, तो फिर ये और गंभीर मामला है, और गंभीर मामला है सर। आपके संज्ञान में अगर इतनी बड़ी खबर अभी तक नहीं है लखनऊ में होकर, फिर तो और गंभीर मामला है। ऐसा है घनश्याम जी, पूरे दिन पार्टी के कार्यों से व्यस्त रहते हैं, जनता के कार्यों से व्यस्त रहते हैं, जनता को जो है उनकी विकास की योजनाओं, बीजेपी कांग्रेस के तो हर नेता कार्यकर्ता की खबर है आपको, बीजेपी और कांग्रेस के तो हर नेता की खबर है आपको। अभी बात करने लग जाऊं तो 20 चीजें बता देंगे आप मुझे। घनश्याम जी मैं कह तो रहा हूं कि अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ के बारे में बता देंगे कि अभी अभी ये मामला संज्ञान में आया है, तो मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में मामला पहुंच गया। सर कार्रवाई का असर नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रहा सर, कार्रवाई का असर, जो भी जांच का ढोल मत पीटिए सर। अभी आप मुझसे आधे घंटे पहले सही होगा, अभी अभी समाजवादी पार्टी, अभी आधे घंटे पहले ब्रेक से पहले आप मुझसे कह रहे थे, आप सीना ठोक के कह रहे थे मुझसे कि कोई ऐसा भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता बताइए। अब मैंने बता दिया विधायक, अब कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच की जाएगी। सर ये जांच 2017 तक आप करते रह जाएंगे, आप यकीन मानिए, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ना शिवपाल यादव, इसका असर तब तक पूरा होगा ही नहीं सर, अगर इस तरह के लोग आपका खेल बिगाड़ देंगे। त्रिपाठी जी देखिए, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, ये वाकई क्या अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश है, या फिर अर्शद आप भी जानते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज अब नहीं हो सकता। घनश्याम जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई इलाज बीमारी नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी से आजाद करिए सर, बेईमानी नहीं करते, ठीक है, और किसी का अपमान भी नहीं करते सर। अभी आपने सुना, फिर सुनवा दूं क्या मैं आपको, फिर सुनवा दूं घनश्याम, अगर पुलिस के साथ बदतमीजी आपको देखनी है, बदतमीजी नहीं मारपीट, बदतमीजी नहीं मारपीट सर, बदतमीजी नहीं मारपीट, उत्तराखंड चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, कितनी बदतमीजी होती है सर। रखाया जवाब है इस मामले, ये भाजपा कांग्रेस के देश के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बात करके रख दिया, छत्तीसगढ़ राजस्थान हरियाणा दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, की जनता तो समाजवादी और कनाडा के बारे में जानकारी दे देंगे, और समाजवादी प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं देंगे।
जाता है। अच्छा जी हो गया सर, हो गया। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का है, अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों में सीधे अपराध में सीधी संलिप्तता रखना। मैं मुलायम सिंह यादव जी के पिछले कार्यकाल की एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूं। एक लखनऊ के हजरतगंज में सीओ साहनी हुआ करते थे और सीओ साहनी को लोहिया के स्वघोषित सपूतों ने जीप की बोनट पर टांग करके लखनऊ के चौराहों पर घुमाया था। उत्तर प्रदेश की इस घटना ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश के चेहरे को कलंकित किया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य कोई नए नहीं है। विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह इनके मंत्री हैं और सीएमओ को अपने यहां बंधक बना लेने का मामला अभी इसी सरकार का है, बहुत पुराना नहीं हुआ है। राधे श्याम सिंह इनके मंत्री, जिनका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ डीपीआरओ को गाली देते हुए, एक मिनट में 18 गालियां 20 गालियां, ये कोई पुरानी बात नहीं हुई, ये इसी सरकार की बात है। आज जिस तरह का वाकया आपके चैनल दिखा रहा है, ये पुलिस की पिटाई का कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के पिटने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक रिकॉर्ड बन गए। दरोगाओं की हत्याएं हुई है उत्तर प्रदेश में। वास्तविकता में अखबार अपराधियों का इकबाल इतना बुलंद है और सरकार का इकबाल बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। बेबुनियाद आरोप नहीं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही है। सबसे ज्यादा यादव पूरन सिंह यादव आज बेकार है गाजियाबाद में। आप कल्याण सिंह विधायक है, आप उनकी हत्या की गई। आपके मुजफ्फरनगर में गुजरात शर्मा इंस्पेक्टर करता है, उनकी हत्या की गई। ये सारी बातें सारों पर इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर में साहस की पृष्ठभूमि को समझिए। अजय सिंह यादव तो उनकी हत्या की गई है। जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद आपको हंसाम जी समय देंगे, पूरा समय देंगे। आप मत दबाइए, आप राजस्थान चले जाइए। फिर भाजपा का सांसद क्या करता है के साथ? इसीलिए में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, बोलपुर में क्या हुआ? भाजपा के सांसद ने खुदा डीएम को गालियां दी, कलेक्टर को गाली दी, उस कलेक्टर का बयान आया है। नेताजी कह रहे हैं क्या एसपी ने क्या भाजपा का मंत्री गालियां दे रहा है? अरे अरसद साहब, आप ही राजस्थान और मध्य प्रदेश चले जाइए, समाजवादी पार्टी को वहां मजबूत करिए। बहुत सारी समस्याएं वहां है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए। समाजवादी पार्टी पूरे देश में मजबूत हो गया, निश्चित रहिए। और हम 2019 समाजवादी पार्टी को यह साहस अपने नेतृत्व से मिलता है। शिवपाल सिंह यादव जी पर इस प्रकार के गंभीर आरोप पहले भी लग रहे हैं। शिवपाल यादव जी का बड़ा जाना है, शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता है, प्रदेश के नहीं देश के नेता है। और शिवपाल यादव जी ने हमेशा ब्रह्मांड के नेता घोषित कर दिए, भाजपा कांग्रेस देश को ब्रह्मांड के नेता घोषित कर दिए। बहुत ईमानदार नेता है शिवपाल यादव जी का, आज तक राजनीतिक जीवन में अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी ठीक है, कल तो आप रामगोपाल यादव को भी कह रहे थे बड़े नेता और आपकी के विधायक जैसे मेरे साथ आशीष यादव आपके सामने कह रहे थे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो कह रहे थे ना कैसे आप शिवपाल जी का गुणगान कर रहे हैं। सर आपको तो पहले एक राय होने की जरूरत है, सर एक राय हो जाइए, पहले एक राय हो जाइए तब बताइएगा कौन आपके यहाँ बड़ा है। ये आजकल बहुत बड़ी जंग हो गई आपके, हमारे यहाँ सबसे बड़े मुलायम सिंह यादव जी हैं। सर ये आपका क्यों है और उसे पूछा उनके बाद होगा? ठीक है सर, शिवपाल यादव जी रामगोपाल जी रख ले जी हैं, ठीक है ठीक है। और अगले जी सबसे काबिल और सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। आप किसके साथ हैं आजकल? भाजपा और मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। अच्छा ठीक है सर, और सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सर कल आप समाजवादी पार्टी के सदर विधायक क्या कर रहे थे? कांग्रेस कल आपने सुना था ना, तीन बार टूटी है, आपने सुना था ना, तीन बार टूटी है। सर ऐसे देखिए, ये तो वो लोग हैं, ये टीवी डिबेट कर 70 में अपने संस्थापक अध्यक्ष राबित, ये सर ये टीवी डिबेट का डेकोरम नहीं है, बना दिया था। ये टीवी डिबेट का डेकोरम नहीं है सर, जिसे आप कहते हैं और एकदम मोनोलॉग हो जाते हैं, ये भी तरीका नहीं है। आप सवालों का जवाब दीजिए सर, आप इतिहास न समझाइए, हमको इतना समय भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी कमला कर सर आप तथ्यों पर तो आइए, आप वर्तमान दुरुस्त कर लीजिए सर, इसको इतिहास बनने से बचा लीजिए जो फिलहाल वर्तमान की स्थितियां हैं, क्योंकि फिर ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा आपके नाम। फिलहाल कमलाकर त्रिपाठी साहब बहुत काम किया, ठीक है अभी आऊंगा सर उन्हीं कामों पे आपके पास आ रहा हूँ। कमलाकर त्रिपाठी जी, एक तरफ कार्रवाई करके दुरुस्त करने की कोशिश पार्टी के चेहरों की और एक तरफ वही कोशिश बिगाड़ते हुए और भद्दी करते हुए उन्हीं के लोग, क्या वाकई माना जाए कि अब चीजें सुधरने वाली नहीं है? जब 4.5 साल में चीजें नहीं सुधरी घनश्याम जी, हमने इस प्रदेश में प्रतापगढ़ में डिप्टी एसपी की हत्या देखी, हमने इस प्रदेश में मथुरा में जो 2.5 साल से 300 एकड़ जमीन कब्जा करके कलेक्ट्रेट के सामने एक आदमी रहता है उसमें हम अपने एसपी को खोते हैं, इंस्पेक्टर को खोते हैं, आम पुलिस वालों की हत्याएं और झांपड़ मारना और ये
बहुत कॉमन है। जब उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस के सामने कोई कमजोर मजलूम पड़ता है तो उसके ऊपर जुल्म ढाती है, और समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर नेता तथा कथित पड़ जाता है तो वो उसके ऊपर जुल्म करने लगता है। ये कोई नई चीज नहीं है। एक मैं आपको वाकया याद दिलाना चाहूंगा, ये जो माफिया और नेता नेक्सस है, बनारस में जेल में बहुत बड़ा उपद्रव कांड हुआ, इतनी बड़ी उपद्रव हुई कि जिला प्रशासन, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सब बुलाने के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो पाया। उसको कंट्रोल किसने किया? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके अन्य कार्यकर्ता जेल बुलाए गए और उन्होंने उस पूरे हंगामे को शांत किया। अब आप ये सोचिए कि जेल में बंद अपराधी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष की बात क्यों मान रहा है? ये क्लियरली इंडिकेशन था एक नेक्सस का, और ये नेक्सस शुरू से चला आ रहा है। अभी आपने देखा, आपके ही चैनल पर मैं हेडलाइंस में चार चीजें मैंने देखी। बुलंदशहर में जो घटना हुई हाईवे पर, जो है वो गोली मार करके और उस दंपति को लूटा गया मोटरसाइकिल सवारों ने, बुलंदशहर में ही पुलिस की आंखों में मिर्चा डाल करके जो है कैदी फरार होता है, मेरठ में जो है वो दंपति की हत्या करता है, वो कौन, शानू सेठ या क्या नाम आपका दिखा रहे थे, मैं नाम भूल रहा हूं। और चौथी घटना शाहजहांपुर में हो रही है। आप ये सोचिए, एक ही दिन में चार चार घटनाएं, आप प्रत्यक्षता हीनियस क्राइम, शाहजहांपुर में लड़की को छेड़ने पर के विरोध करने पर पीड़ित को आग लगाकर जला दिया जा रहा है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सत्ता की हलक समाप्त हो चुकी है, और इस सरकार से कोई उम्मीद रही नहीं गई। आपस में तो ये लड़ रहे हैं, ये तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं और जिस तरीके से अपराधियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं, एक व्यू आपके ही चैनल पर एक बार दिखाया जा रहा था, रामपाल यादव जो लखनऊ में जिस तरीके से रिवॉल्वर लहरा रहे थे, वो बाद में उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो किस कारण से हुई वो भी आपको पता है, लेकिन जिस तरीके से दबंगई वो सबके बीच में कैमरे पर रिवॉल्वर चमका रहे थे विकास प्राधिकरण की टीम के लोगों पर, वो जग जाहिर था। तो इनके यहाँ ये समाजवादी पार्टी का बेसिक चरित्र है, यानी और जो सबके सामने परिलक्षित है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन रामेश्वर पांडे जी, फिर कैसे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, और कैसे फिर पुलिस घबराए ना कोई कार्रवाई करते हुए, क्योंकि किसी को बचाने गई पुलिस, विधायक जी के घर में घुस गए तो विधायक जी ने पीट दिया, तो सर ये तो पुलिस का मोराल भी डाउन हो जाएगा, फिर पुलिस पर दोषारोपण किस बात का? देखिए घनश्याम जी, सत्ता का नशा बहुत जल्दी मदहोश कर देता है। ये सिर्फ सपा सरकार के लिए नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी बहुत लंबी लिस्ट गिना देंगे, ये दिखाई पड़ता है राजस्थान में भी, ये मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है, ये कांग्रेस सरकारों में भी दिखाई पड़ा। जरूरत ये होती है कि जो शासन में बैठा है उसका फैसला क्या होता है, उसका रुख कैसा है, अप्रोच कैसा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अखिलेश यादव जी के लिए अब बहुत कम वक्त बचे हैं चुनाव के, बहुत ही कम समय बचा है। ऐसी घटनाओं पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे हैं, अगर देना है तो ऐसी घटनाओं पर वो तत्काल कार्रवाई करें, और इस तरह की घटनाएं जो पेंडिंग है उसकी भी कार्रवाई करें, वरना विकास के नारे पर कानून व्यवस्था का नारा, कानून व्यवस्था किसी बहुत भारी पड़ जाएगी और पड़ने जा रही है जी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मसला, मैं एक नहीं, अगर मैं मुझे भूल जाएगा, और मैं दर्जनों नाम है विधायकों के, अभी रामपाल जी का नाम लिया, आप देखें तो गोरखपुर में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जितनी बड़े घटनाएं हुई हैं प्रदेश में तपाने वाली, उसमें कहीं न कहीं आया है कि राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप से, मुजफ्फरपुर जो दंगे हुए पश्चिम में जो तनाव में है उसमें राजनीतिक नेतृत्व का हस्तक्षेप रहा है, विधायकों का। अभी शिवपाल जी जब इसके पहले इस्तीफा दिए थे तो उन्होंने कहा था कि विधायक और तमाम सत्ता जुड़े लोग जमीनों पर
जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने खुद शिवपाल जी ने इसे मुद्दा बनाया था और मुलायम सिंह जी ने कहा था कार्रवाई होगी। तो ये सरकार ने, तीनों शीर्ष नेताओं ने आपस में ही यह बता दिया है कि प्रदेश में कौन अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। ठीक है, ये इसके पहले सरकार बसपा सरकार में भी हुआ। पांडे जी, पांडे जी, क्या आपको लगता है अभी इतना समय बचा है कि इतनी सारी चुनौतियों को एक साथ पार किया जाए? पहले तो यही बहुत हो चुका है और अभी भी उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो अगले कुछ दिनों में जो लंबित कार्रवाई है, जो जिस पर वो आंख मूंद लिया है तमाम विधायक, अभी तो यही लगता है ना, मंत्री बना दिया जाता है जिस मंत्री के घर, जिस मंत्री के खिलाफ भूमि लखनऊ में कब्जा छुआने के लिए दस्ता जाता है, लौट आता है, वह आदमी मंत्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं, मुझे नहीं लगता कि डैमेज कंट्रोल अब इतने जल्दी हो पाए। फिलहाल तो प्रैक्टिस करिए कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना पावरफुल है। फिलहाल आईपीएस यहाँ बोलता है कि मुलायम सिंह यादव जी स्वयं उसको धमकी दे रहे थे, वो ऑडियो जारी करता है इस प्रदेश का आईजी, उस जिसकी पार्टी का मुखिया आईपीएस को धमका रहा हो, और जहां धमकी नहीं देगी त्रिपाठी जी, आप उस ऑडियो जारी हुआ था सिर्फ अनुतर और उसके बाद उनको डिमोरलाइज करने के लिए गलत तरीके से उनको बलात्कार में फंसाने की कोशिश भी की गई। जिस तरीके से सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, अरे आपके वो सीएम को खुद कहते हैं कि उनके न मंत्री उनके उसमें है, उनके अधिकारी उनके उसमें है, वो कहते हैं कि हमारे अधिकारी दूसरे दलों से मिले हुए हैं। इस सत्ता का एक बार खत्म हो चुका है समाजवादी पार्टी, रोज जो है वो हत्या लूट बलात्कार डकैती, इससे पूरा प्रदेश परेशान है। और आप अभी बेंगलोर में 3 दिन पहले एक लड़की से गैंगरेप हुआ, ठीक है, पता कर लीजिए पहले आप, ठीक है, सीमा लड़की का नाम है अर्षद भाई, ठीक है। जमीना मंत्री आजम खान जी बढ़ गया, देख लीजिए रेप पर कहते हैं, जो बुलंदशहर हाईवे पर जो रेप हुआ जिसमें उस अबोध बच्ची को जो है वो जिस तरीके से परिवार के सामने किया गया, आजम खान जी कहते हैं कि वो राजनीतिक साजिश है। आप लोग का असंवेदनहीन रवैया आपको सड़क पे ला देगा अर्षद जी, कम आपकी नजर में कुछ पानी होना चाहिए, उसको पर्दा होना चाहिए। आप जिस तरीके से जो है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं राजनीतिक संरक्षण में, और जिस तरीके से एक जो है त्रिपाठी जी, ठीक है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है त्रिपाठी जी। अशोक भाई, अशोक भाई हो गया, अशोक भाई, अशोक भाई, अरे सर विराम लीजिए, सर 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 विराम लीजिए, थोड़ा सा रुकिए सर। पांडे जी बोलिए 30 सेकंड में सर। घनश्याम जी मैं अपनी बात पूरी करूं सर, 30 सेकंड में सर। घनश्याम जी इन्होंने बहुत आरोप लगाए सर, अब अरे आप लगातार बोलते रहे, हर किसी के बारे में बोलते हैं सर। अर्षद भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको टोकना, पर रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए, धीरज रखिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। बोलिए पांडे जी, इस मंच के माध्यम से सिर्फ मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ सपा के साथियों से, जो खासतौर से अखिलेश यादव, किस नुकसान बहुत हो गया, अभी भी हो रहा है, और जिस विकास के नारे की बात कर रहे हो और विकास और अपनी छवि के सहारे वो चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, वो बहुत भारी पड़ जाएगा कानून व्यवस्था का मसला अगर उन्होंने, अगर वो चाहते हैं और नियत है तो जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें सख्त कार्रवाई करें, तेज कार्रवाई करें, ठीक है सर, ताकि कम से कम यह संदेश सर, हालांकि अलार्मिंग टाइम नहीं रहा सर, ठीक है, अब अलार्मिंग टाइम कर पाएंगे, ठीक है, ये उनके सामने एक बड़ी परीक्षा है, और मुझे लगता है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, शायद न कर पाए, ठीक है। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी आखिर में, लेकिन त्रिपाठी साहब क्या वाकई आपको लगता है कि प्रदेश में, राकेश त्रिपाठी से मेरा सवाल है, क्या राकेश जी आपको वाकई लगता है कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है वो अपराधियों की वजह से बिगड़ रही है, या फिर सपा के विधायक या सपा के नेता ही बिगाड़ रहे हैं? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, असल वजह है क्या? देखिए, इसमें कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अपराधी, इन दोनों में बहुत महीन अंतर है, करना मुश्किल होता है। कई बार दोनों इतना मिक्सअप हो जाते हैं कि कब अपराधी समाजवादी पार्टी का नेता हो जाता है और कब समाजवादी पार्टी का नेता अपराधी हो जाता है, बहुत मुश्किल है इसमें भेद करना।
जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है 2 फरवरी 2012 से ही दलितों की बस्तियों पर अत्याचार होने से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सिलसिला पुलिस के पिटने तक लगातार जबरदस्त रूप जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार खाकी के पिटने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। इतने बार खाकी किसी प्रदेश में किसी राज्य में कहीं नहीं पिटी है जितना उत्तर प्रदेश में पिटी है, और उत्तर प्रदेश में खाकी ने जितना अत्याचार किया है इतना अत्याचार भी किसी राज्य में नहीं हुआ है। पिछले मुलायम सिंह की सरकार में यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, यह कहलवाने के लिए इनको बॉलीवुड के बादशाह को बुलाना पड़ा था। मुझे लगता है कि वो अपील बेअसर हो गई थी, तो इस बार इससे बड़ा कोई तुरुप का इक्का इनके पास नहीं है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के भंवर जाल से अब इनको निकाल पाएगा। अब तो ये अपनी पारिवारिक लड़ाई में ही उलझ गए। उत्तर प्रदेश बहुत त्राही त्राही कर रहा है, 300 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं और 1000 से ज्यादा पुलिस के पिटने की घटनाएं। इसने न केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों की समस्याएं बढ़ाई हैं, बल्कि देश के सामने उत्तर प्रदेश के चेहरे को कलंकित करने का काम किया है। और इस बात पर अरशद आबिद साहब चाहे जितने तर्क पेश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल के सबसे ज्यादा दुर्दिन देखने जा रही है। और ये जो भविष्यवाणी मैं लगातार बार बार करता रहा हूं एक पॉलिटिकल विद्यार्थी के नाते, एक राजनीतिक विद्यार्थी के नाते, कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर होते ही कई खंडों में टूट जाएगी। मुझे लगता है कि चुनाव से पूर्व ही समाजवादी पार्टी कई खंडों में टूट जाएगी। जिस तरह से आज अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पे जो अखिलेश शिवपाल जी की नजदीकी है उसे सुरक्षा वापस लेने का काम किया है। ठीक है अरशद आबिद, क्या वाकई पुलिस अगर ऐसे पिटती रही, आपके विधायक डराते रहे, तो सर आम जनता जाएगी किसके पास? क्योंकि पुलिस पे तो उसको भी यकीन नहीं रहा, उसकी रक्षा करेगा कौन? देखिए घनश्याम जी, मैं आपको नाम बता देता हूं, आप सर्च कर लीजिए, पता लगवा लीजिए। पूरन सिंह COSTF समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का मर्डर हुआ। मुनिराज शर्मा इंस्पेक्टर चरथावल थे मुजफ्फरनगर में, देवेंद्र यादव इंस्पेक्टर मनसूरपुर थे, एके सिंह इंस्पेक्टर खतौली थे। आप पता कर लीजिए कल्याण सिंह की सरकार थी, मर्डर हुए, और अगर नहीं हुए मैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबसे ज्यादा जो पुलिस पिटी है वो भाजपा की सरकार में पिटी है, तो इसलिए आप कम पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मनोबल अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, छोटे कर्मचारियों का, बड़े कर्मचारियों का, भाजपा कांग्रेस सरकार में गिरा है। ये भाजपा कांग्रेस के लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों को एक तरफ उसकी कीमत लिखी होती है, एक तरफ उसका मोनोग्राम होता है। जब भाजपा की सरकार देश में आती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट नहीं चलने देती, कोई विधायक पास नहीं होने देती कोई विधेयक, और आप तो डिबेट ही नहीं चलाते तो भाजपा नहीं चलने देती है, और जब भाजपा की आती है तो कांग्रेस नहीं चलने देती है। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश का विकास ना कर सके। हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, अगर कहीं गलती होती है तो मुख्यमंत्री फौरन कार्रवाई करते हैं। और हमारा चैलेंज है सबको कि अखिलेश यादव जिसे काबिल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं है, सबसे काबिल मुख्यमंत्री राम गोपाल जी सब कह चुके हैं 2017 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम अपने विकास करते चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। देखिए ज्यादा जोर के और लगातार बोल के झूठ सच नहीं होता, आप ही यकीन मानिए। अगर आप घनश्याम जी आप कैसे कर रहे हैं सर, आप भाजपा के देख लीजिए, आप राजस्थान मध्य प्रदेश में देख लीजिए, फिर आप कहोगे कि आप राजस्थान चले गए, क्या राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है सर? मैंने तो ठीक है, मुझे कई नेताओं ने बताया, आखिरी एक डीजी रैंक के अधिकारी एक भाजपा की महिला कार्यकर्ता लगाते थे, नहीं मौका दे पाऊंगा आगे। सवा 8 बजे सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए 8:15 बजे आपने मुझसे कहा कि कोई एक ऐसा भ्रष्ट नेता है विधायक बता दीजिए तो मैं कार्रवाई कर दूंगा। सर मैंने 8:30 बजे आपको बता दिया, कार्रवाई नहीं करूंगा, तो कार्रवाई दीजिए, कार्रवाई करेगी, करवाइए ना फिर। अब करवाएंगे किस मामले में कार्रवाई करवाएं सर? पुलिस पिट गई सर, अभी तक आपको यही नहीं समझ आया बात क्या हो रही है? ये और हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी बड़ी सख्त कार्रवाई करती है सर, एनएसए लगाती है, रासुका लगाती है। देखिए सर प्रेस नोट, पुलिस के साथ जो हत्या है, पुलिस की जो हत्या होती है, अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे प्रेस नोट पढ़ने के अलावा मारे गए, सीओ मारे गए, कितने लोग मारे गए, छत्तीसगढ़ में रोज 30-40 मारे जाते हैं पर डे। कमलाकर जी ये इस सरकार देखिए सत्ता हनक से चलती है, इस सरकार की हनक खत्म हो चुकी और इनका पारिवारिक झगड़ा भी सामने आ चुका। 4.5 सालों में प्रदेश धीरे हुआ है, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की साइकिल के अंदर पहिया निकल करके ठिक चुके हैं और इसमें कुछ होना नहीं है। ठीक है, ये वही मुद्दा, वही आरोप, वही सफाई, लेकिन अरशद आबिद साहब मेरे वाइंड अप कर लिए सर, अब शांत हो जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, लेकिन 2017 बेहद नजदीक है और ये अलार्मिंग सिचुएशन से भी आउट ऑफ कंडीशन की
तस्वीर नजर आती है। अब वो मौका भी नहीं रहा जब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन कम से कम नई घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। शायद तस्वीर बदल जाए, क्योंकि राजनीति में संभावना लगातार बढ़ती रहती है। बिग बुलेटिन देखा आपने, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।